गुड आई एम सिंह, गुड आई एम सिंह, मैं शिवमराज मुजफ्फरपुर बिहार से। दोस्तों, मैं IMC को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊँ, अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इस IMC बिजनेस को मैं बहुत दिनों से सुन रहा था, लेकिन इसमें मैं जुड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और कम्पिटिटिव क्लास में रीजनिंग की क्लास चलाता हूँ। लेकिन इस क्षेत्र में मुझे लाने के लिए डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में लेक्चरर हैं के पद पे कार्यरत हैं, उनके द्वारा मुझे इसके बारे में जानकारी मिली। पेशे से शिक्षक होने के नाते मुझे खड़ा होने और बैठ कर ही काम करना पड़ता था, जिसके कारण मैं कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो गया था। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती थी, मैं इस असहनीय दर्द को सह नहीं पाता था। इसी बीच में एक फरिश्ता बनकर मेरे सामने आए, जो हमारे गुरुदेव भी रहे हैं, जिनसे मेरी बहुत पुरानी मुलाकात रहती है, और उन्हीं के जीवन में उन्हीं के द्वारा दिए गए गुणों के द्वारा आज हम जीवन में कुछ कर पा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ मुझे, ये जो आप देख रहे हैं श्री तुलसी, ये श्री तुलसी और एक येलो डाइजेस्ट मुझे दिया, जो येलो डाइजेस्ट आप देख रहे हैं, और बोले कि इस दोनों का सेवन करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। हम बोले कि सर, इसके बारे में कुछ और जानकारी दिया जाए, तो उन्होंने बोले कि बहुत ही आसान चीज़ है, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और एक फ़ोटो के साथ तुम इसका एक ID बनवा सकते हो, और ID बनवाने के बाद इस पे तुम्हें जो प्राइस है उसकी भी छूट मिलेगी, और तुझे कुछ BV यानी कि बिजनेस वॉल्यूम भी मिलेगा। गुरुदेव की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हुए मैं बिना कुछ सोचे समझे इसमें जुड़ गया। जुड़ते ही जैसे मैं 5 दिन दवा खाया, मुझे फर्क महसूस होना शुरू हो गया। अब इस फर्क जो महसूस हुआ, इस चीज़ को मैं आप लोगों के बीच भी शेयर करना चाहता हूँ। ये श्री तुलसी कैसे काम करता है, कितना जल्दी काम करता है, इसके बारे में आज हम एक डेमो करके आपको बताने जा रहे हैं। हमारे पास इस श्री तुलसी के बारे में इसके इंग्रेडिएंट्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे बना है। जैसे कि बताया जाता है कि ये बना है श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, राम तुलसी, नींबू तुलसी, वन तुलसी के मटेरियल से मिलके इसको बनाया गया है। तो बचपन से हम लोग ये सुनते आ रहे थे कि तुलसी हमेशा ऑक्सीजन देता है, हमारे शरीर को लाभ प्रदान करता है। बचपन में जब हम कभी बीमार पड़ जाते थे, तो मेरी माँ तुलसी की काढ़ा बनाकर मुझे पिलाया करती थी। लेकिन न अब लोगों के पास काढ़ा बनाने के लिए समय है और न लोग उसके यूज़ करते हैं। इसी बीच इस कंपनी के चेयरमैन एंड फाउंडर डॉक्टर अशोक भाटिया जी एक ऐसा आयुर्वेद हमारे बीच लेकर आए हैं, जिसका हम डायरेक्ट लिक्विड के रूप में यूज कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम इसका थोड़ा सा डेमो देखेंगे, कैसे काम करता है, इस चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे पास एक ग्लास है, इस ग्लास को आप देख रहे हैं, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। देखिए, ये शुद्ध पानी है, इसको हम इसमें डाल रहे हैं। डालने के बाद इतना पानी डाल दिए, सभी लोग देख रहे हैं कि इसमें पानी डाला गया। अब आपको बता दें कि ये हमारे पास बीटाडीन है। बीटाडीन जो सर्जिकल में घाव सफाई के लिए यूज़ किया जाता है, ये 13 तरह के केमिकल से मिलकर बना हुआ है, जो वहाँ पे विषाणु और जीवाणु को घाव पर जो होता है उसको मारने का काम करता है। यदि इस चीज़ को हम डायरेक्ट पी लें तो हम मर भी सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, या फिर हमको डॉक्टर के पास तुरंत एडमिट करवाना हो सकता पड़ सकता है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, इस पानी को थोड़ा सा गंदा करते हैं इस बीटाडीन के सहारे। आप देख रहे हैं कि बीटाडीन के ढक्कन को हम खोलें, इसमें थोड़ा सा बीटाडीन को डालते हैं, और आपके बीच हम इस बीच में बीटाडीन को डाल रहे हैं। बीटाडीन के डालते ही यह पानी बिल्कुल गंदा हो गया, बिल्कुल पॉइजनस हो गया। आपको दिख रहा है कि यह पानी बिल्कुल पॉइजनस हो चुका है, साफ साफ देखिए। क्या मैं इस पानी को अब पी सकता हूँ? बिल्कुल नहीं पी सकते हैं। लेकिन हमारे तुलसी में इतना गुण है कि इस जहरीले पानी को भी साफ कर सकता है। कैसे आसानी से साफ कर सकता है,
बहुत ही जल्द इसको हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको मिला देते हैं कि पॉइजन पूरी तरह इसमें मिल जाए और फिर हम इसका गुण दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी आप देखते जाइए, ये श्री तुलसी है, इसके ढक्कन को हम खोलते हैं और इसमें 5 से 7 ड्रॉप डालते हैं। आप इसको देखते जाइए, देखते देखते ये क्या करता है इसको आप तुरंत देख सकते हैं। इसका जो ढक्कन है वो गिर गया, उसको निकाल देते हैं बाहर और फिर हम इस पानी को यहीं पे डाल देते हैं। अब यह श्री तुलसी जो है काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में इसका हम बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे, जान जाएंगे कैसे काम करता है। आप लोगों को पानी साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो पूरा गंदा पानी था, पूरा जहरीला पानी था, कैसे यह धीरे 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 साफ होने लगेगा, कैसे यह काम करने लगेगा, इसको आप लोग देखकर खुद ही दंग रह जाएंगे। थोड़ा सा और इसके बारे में जान ले, जैसा कि हमारे गुरुदेव ने बताया, मैं खुद इसका आकलन किया हूँ, मैं खुद इस पर काम कर रहा हूँ और इसका खुद यूज भी कर रहा हूँ। मैं पहले ही दिन अपने नीचे एक डाउनलाइन को लगाया, हमारे डाउनलाइन भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और 7 अक्टूबर 2018 को मैं IMC के में अपना ID लिया हूँ। इस IMC के ID के तहत हम काम कर रहे हैं, हमारे नीचे 6 डाउनलाइन भी हो चुके हैं। इसमें 2 डाउनलाइन हमारे इतने एक्टिव हैं कि वो अपना 10% का जो पहला स्टेज है उसको प्राप्त कर लिया है और कंपनी की एक टारगेट होती है कि यदि आप 1 महीने में, ये टारगेट अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में दिया गया था, यदि आप 1 महीने में 7501 BV करते हैं तो आपको rank 3 यानी कि 25% आपको दिया जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा, कोशिश ही नहीं करूंगा, पूरे हिम्मत के साथ कोशिश करूंगा, पूरे जोश जुनून के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं इसी महीने 31 अक्टूबर तक इसका जो तीसरा रैंक है star 3 मैं वहां पहुंच जाऊंगा और आप लोग को भी बताएंगे कि यदि आप लोग इस के गुण को जानेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और आपको एक और बात बता दें, ये तो कटोरी होना चाहिए, मेरे पास कटोरी अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या है, ये है थर्मोकोल का प्लेट, उसी से हम कट किए हैं इसको थोड़ा सा। इस थर्मोकोल के प्लेट में हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन हम लोग को जानना चाहिए कि ये बनता कैसे है। ये प्लेट पेट्रोलियम पदार्थ के जो अवशेष होते हैं, कचरा भाग होता है, उससे बनाया जाता है और इसका एक भी टुकड़ा यदि हमारे शरीर के अंदर चला गया तो हमारी मौत भी हो सकती है, या फिर जहाँ जाके फंस गया, यदि हमारे मल द्वार के रास्ते ये नहीं निकला तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को वहीं पे रोक देता है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत होती है कि हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसी की तरह ये बिल्कुल हल्का होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल भी हल्का होता है, ये भी हल्का होता है। और एक और बड़ी खासियत हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, जो लोग शिक्षित हैं वो भी जानते हैं, जो लोग अशिक्षित हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि हर घर में यूज हो रहा है, हर शादी विवाह में, भोज में इसका यूज किया जाता है। इसको कभी भी जमीन के अंदर यदि डालकर छोड़ दिया जाए और कहा जाता है कि 1000 वर्ष बाद इसे निकाला जाए तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये गल नहीं सकता है। तो 1000 वर्ष की तो मैं बात नहीं करता हूँ, एक आदमी औसतन 70 से 80 वर्ष जीता है। तो मैं इसका जीता जाता उदाहरण अपने घर पे देखता हूँ कि जब कभी भोज भात होती है और उसको डाल दिया जाता है जमीन के अंदर और 1-2 साल बाद फिर उसकी सफाई की जाती है या फिर उस खेत में कुछ लगाया जाता है, गड्ढा जब खोद कर निकाला जाता है तो ऐसा का ऐसा ही दिखता है, मैंने इसका प्रमाण भी लिया है। तो हम बिना समय गंवाए आपको बताएं इस पर हम क्या करते हैं। देखिए ऊपर हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं, थोड़ा सा कटोरी होना चाहिए लेकिन मेरे पास कटोरी अवेलेबल नहीं है, अच्छा मैं चाहूँगा आप लोगों से, इसमें थोड़ा पानी डालते हैं और इस पानी को जितना स्पीड वे में कैसे हमारा श्री तुलसी काम करता है, जो 1000 वर्ष जमीन में रहकर ये खराब नहीं हो सकता था उसको श्री तुलसी के सिर्फ 5 बूंद कितना जल्दी आसानी से गला सकता है। तो हम लोग यदि कल्पना कर लें कि यदि हम लोग इस श्री तुलसी का सेवन करने लगें तो सबसे पहला बात तो कहा जाता है कि यदि आप अस्वस्थ हैं तो तुरंत स्वस्थ होइएगा और यदि स्वस्थ हैं तो कभी भी अस्वस्थ नहीं होइएगा। तो हम देखते हैं, चलिए इसका हम 5 बूंद डालते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बूंद इसमें डाला गया। देखिए देखते ही देखते ही आपको कुछ नीचे नजर आएगा ग्लास में, क्योंकि मैं ग्लास के ऊपर इसलिए डाला हूँ क्योंकि इसको बहुत जल्द ही खोला कर
खत्म करेगा यह श्री तुलसी, और इसकी पानी नीचे ग्लास में जाए, इसलिए हम इसको नीचे डाले हैं। आपको देख रहे हैं कुछ ही देर में यह क्या करेगा, अपना काम करना शुरू कर देगा और पूरे थर्मोकोल को यह गलाकर और जो पानी है वो नीचे चला जाए, इसलिए मैंने ग्लास में इसको डाला है। देखिए, देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए आसानी से यह पानी टप 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 करके नीचे चला गया लगभग 10 सेकेंड के अंदर। और जो बिल्कुल नहीं गलने वाला था, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, पूरा छेद जहां तक ये गया पूर्ण रूपेण से गलाकर खत्म कर दिया है। तो क्या हम इसका रेगुलर सेवन करेंगे तो हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल नहीं खत्म होगा? बिल्कुल खत्म होगा। मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि आप सभी लोग यदि अस्वस्थ हैं तो इस श्री तुलसी को तो रखना शुरू ही कर दीजिए, यदि आप स्वस्थ हैं फिर भी इसकी 5 बूंद सुबह थोड़ा सा हल्का गर्म पानी, सुसुम पानी जिसको बोला जाता है, उसके साथ इसका यूज करें और आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे IMC में बहुत ही सारे प्रोडक्ट हैं जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे इसके बारे में हम और सारे वीडियो बनाएंगे और आपके बीच लाएंगे। अभी आप जो ग्लास में देख रहे थे ये पानी जो बिल्कुल गंदा था, बिल्कुल जहरीला था, ये बिल्कुल साफ हो चुका है, बिल्कुल पीने लायक हो चुका है। इसको यदि हम पी भी सकते हैं तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा और हम नहीं मर सकते हैं, लेकिन यदि इससे पहले बीटाडीन का पानी पीते तो हम मर सकते हैं। हमारा वीडियो ये कैसा लगा इसके बारे में आप हमको बताइएगा। और इस काम में मेरी पत्नी स्वाति कुमारी का ही बहुत बड़ा योगदान है, मुझे हमेशा सपोर्ट करती रहती है और वो भी IMC का एक टीम एसोसिएट है। और इस वीडियो को समर्पित करते हैं अपने गुरुदेव डॉक्टर प्रमोद कुमार के लिए। गुड IMC, गुड IMC। और एक लाइन कहना चाहते हैं कि इस बिजनेस को मैं शिक्षक होने के साथ साथ क्यों करना चाहता हूं, तो हमारा एक शौक है, सफलता है कि हम खुद स्वस्थ रहें और लोगों को भी स्वस्थ करें। एक लाइन है, लगाकर आग दौलत में, लगाकर आग दौलत में हमने सफलता के शौक पाले हैं, लगाकर आग दौलत में हमने सफलता के शौक पाले हैं। और आप लोगों से कोई पूछे, यदि आप लोगों से कोई पूछे तो बता देना कि हम IMC वाले हैं, हम IMC वाले हैं। थैंक यू। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर शेयर करें और इस तुलसी को अपनाएं। गुड IMC, गुड दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू। मैं सी यमराज जी।